दिल्ली में प्रताप नगर की एक कपड़ा फैक्ट्री में सुबह सुबह भीषण आग लग गई है। खबर मिलते ही दमकल की दर्जन भर गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। इस वक्त वहां राहत व बचाव कार्य चल रहा है। वहीं खबर है कि फैक्ट्री से एक शव बरामद किया गया है, हालांकि अभी तक शव की पहचान नहीं हो सकी है। इस वक्त मौके पर दमकल की 28 गाड़ियां मौजूद है और कूलिंग का काम चल रहा है। सूत्रों के अनुसार ये आग LPG सिलेंडर के फटने से लगी थी। एक दमकल कर्मी राहत व बचाव कार्य के दौरान जख्मी हो गया था, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इससे पहले दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया था कि सब लोग यहां से निकल गए हैं। एक दो लोगों को हल्की चोट आई है। फायर विभाग के एक व्यक्ति को चोट आई है। हमारी गाड़ियां काम कर रही है और आग पर काबू पाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रियल फ्लेवर न्यूज।